दू कि चलिए अभी लड़की लड़के का तो मम्मी नहीं है, एक्सपायर कर चुकी है, लेकिन हम इनके दादी से बात करेंगे और दादी ही लगता होगा कि उनको पांच फूल कर मतलब पोष पाल कर बड़ी की होगी। का नाम पड़ी रहो? अच्छा, केंगन का भाई बार बड़ा नाती के साथ भाई वो नाती के साथ है कि नाती हमारे गया नौकरी करने, बुला करके उसको जन अथी है वो बुलाया। हाँ बुलाई ला। और ठेकेदार बुलाया कि और नौकरी कर तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तब तो गया तो वो उसको पैसा कोई बुला के हमारा भाड़ा नहीं है, भाड़ा नहीं है तो भाड़ा वो भेज दिया 1500 रुपया। 1500 रुपया भेज दिया वो, हम लोग से नहीं बताया कि हम लोग वही जाता है नौकरी करने। लेकिन गया तो जो डेट हो गया, जो मरा गया, जो मार दिया, फांसी लगा दिया, क्या कर दिया हम लोग तो नहीं जानते हैं, हम लोग तो घर पर है। तो खबर आया कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया तो हम लोग पूछा कि बोला कि कहे ऐसे हो गया। तो ठीक और से बोली बहू बोली कि कैसे हो गया। तो बोला ठेकेदार की अपने से फांसी लगा। एक बात बताइए, आपके मतलब कि नाती कितने हैं? नाती कहाँ, एक तो नाती है, यही तो रहा, यही मतलब परिवार को चलाने वाला। हाँ यही है। अब तो कोई नहीं है, कौन है उसको देखने वाला? कोई नहीं है, हम लोग को देखने वाला कोई नहीं है। कौन है देखने वाला घर में? कौन कौन है आपके घर में? कौन नहीं है, हम है, ये भी है, बहू है, बस एक तो लड़की है कुंवारी, यही तो है, एक तो हमारा लड़का है। एक आपके लड़का है और एक आपके नाती है, आपके एक बहू है और एक आपके लड़की है जिनका शादी। वो नातिन है। अब शादी आपके लड़की का कौन करवाएगा, कैसे क्या होगा? कौन करवाएगा? तो यही तो अथी है, अथी करा जाए कि हाँ कैसे चलेगा परिवार, कैसे चलेगा, कौन देखने वाला है, कौन करने वाला है, के करवाएगा उसका शादी? पुलिस प्रशासन यहाँ के क्या कर रही है? क्या करे, कुछ नहीं कर रही है, सुन नहीं रहे हैं कि हाँ क्या होगा घर के। मान लीजिए यहाँ पर तो योगी जी महिलाओं को बहुत सम्मान देते हैं, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ खड़ा रहते हैं, महिलाओं के साथ पुलिस खड़ा रहती है, लेकिन आपके घर में क्यों खड़ा नहीं रह रही अभी पुलिस यहाँ के? अब पुलिस काहे नहीं खड़ा रह रहा है? हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग गरीबी देखते हैं कि हम लोग कितना गरीब आदमी है, हम लोग को देखने वाला कोई नहीं है, करने वाला कोई नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश का पुलिस मतलब गरीब आदमी को सहायता नहीं? नहीं, सहायता नहीं, जिसका पैसा रहता है उसके तो सहायता होता है, हम लोग क्या सहायता करता है? योगी जी बोलते हैं कि ना उत्तर प्रदेश का पुलिस महिलाओं के साथ है, तो कहाँ साथ करता है, साथ कहाँ है? कितना दिन हो गया आपके बेटे का गुजरे हुए? कितना दिन हुआ? नौ दिन हुआ। अभी बराबरी भी नहीं, कुछ नहीं, कौन देखेगा। अच्छा योगी जी से क्या कहिएगा आप, क्या कहिएगा, क्या आग्रह करिएगा अपना नाती के लिए? हम तो यही कहते हैं कि उसको अन्याय में जो किया है उसको फांसी दिया जाए, उसको सजाए दिया जाए। हाँ, उसको जैसे हमारा नाती को मारा है उसको भी मार दिया जाए, यही हम चाहते हैं। जो जिसका घर में देखने वाला उसका बाप का नहीं है तो उसको देखो। हाँ यही हम चाहेंगे। अच्छा आपके बेटे के साथ जो हुआ है उसमें कौन कौन शामिल है? कौन शामिल है वो ही तो जानती है कि हम तो जानते नहीं कि कौन कौन शामिल है। अब हम क्या जान सकते, जैसे उनका कहना है कि उनके मम्मी पापा जो भी उनके मामा है। हाँ तो वही मामा मम्मी वही तो जान रही है कि हम मामा करा है कि मम्मी किया है कि उसका पाप किया है, सब तो उस दिखाई देता है मोबाइल में। मोबाइल में कर करके भेजता है कि ये हम ही मंद सबूत वही देता है, सबूत तो वही देता है कि भेजता है मोबाइल में कि देखो हम ये मना रहे हैं, मुँह छेड़ता है। अच्छा। तो यही से दिखाई देता है, हम लोग क्या जानेंगे, यही तो जानेंगे कि वही किया है। आपके बहू के मतलब पापा और मम्मी नहीं आए थे यहाँ पर? ना। देख सकते हैं बाकी प्रक्रिया अभी हम जो कि इनसे सुने और आपको दिखाए, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इस परिवार को न्याय मिले। और माननीय योगी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी इनके साथ हुआ है और इनको मतलब कि न्याय मिले ताकि उत्तर प्रदेश का नाम मतलब कि और पुलिस के जो भी है बहुत चर्चा में रहता है, लेकिन अभी इस परिवार से जैसे इन लोग बता रहा है कि कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा,
तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सपोर्ट मिला और इनको उचित कार्रवाई किया जाए, कौन जो भी इसमें दोषी है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।